ये सेकंड सेमीफाइनल मैच चलते हुए ये है रिवर ग्रैंड घाटशिला और ये है ब्लेंडर। फिलहाल दोनों ही दल अपने अपने खेमे में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ साथ किस तरह से दबाव बनाया जाए, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर काबू पाया जाए ताकि हम प्राइज वितरण पर जा सके, यानी कि फाइनल पर जा सके। तो देखिए खेलते कौन कौन फाइनल जाते ओटा जन अपना ओटा रहे चलो आप किसुक्षण मध्य अपना जानते हैं जो द्वितीय फाइनल टीम थे एवरग्रीन ना कि ब्लेंडर पर आइडिया थी এখনো পর্যন্ত দুইটি দল যেভাবে খেলা খেলেছে বোলা অনেকেই সম্ভব কিন্তু করা অনেকে সহজ নেই, দেখা যায় কি হতে পারে। এই দুই দলের মধ্যে কোন দল ফাইনালে যায় এভারগ্রিন নাকি ব্লেন্ডার পাওয়া যাচ্ছে। এভারগ্রিনের যদি ভোট দিয়ে এমজন জাসিন ওরাত প্রশান্ত সুবি জাসিন ওর সাত বলা যায় তিনটি খেলোয়াড় রয়েছে যারা গোল করেছে। আকসাই দুটি টিমের ক্যাপ্টান এক মিনিট 54 সেকেন্ড একটি গোল হয়েছিল সেই রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে 52 সেকেন্ডে মাসান টুডু। আবার উনি টিমের একটি খেলোয়াড় ঋষি হেমরম উনিও সেই রেকর্ডকে ভেঙে 37 সেকেন্ড মাত্র সময় নিয়েছে গোল করার জন্য। একটা আলাদা ম্যাচ এখানে দেখতে পাবো অপারেটিং টিমের খেলোয়াড় দক্ষিণ প্রান্তে ব্র্যান্ডের ফ্লাইট ব্ল্যান্ডার সামনে থেকে বেসমেন্টের অনুকরণ করা টার্গেট উত্তর লেখা পাড়ারে संतरा जैसे रे ऑरेंज जैसे रिवर ग्रीन टीम रे खेलो को दक्षिण का पाटा लाकर पाटा रे टीम ने पर ब्लंडर ट्राई किया। बन टीम के सारा लगते के टूर्नामेंट एडी को खेलेगा और नौ बन टीम जो कल को यापोमा टूर्नामेंट है तो समय रे ब्लंडर ट्राई टीम को जीत कर और समय रिवर ग्रीन टीम को जीत कर ये लोगों का फायर फायर शर स्पोर्ट्स होती है। देखिए परिवार क्या करके इस मैच में कौन से टीम की खेल को जीत मिलेंगे। चले लखेंद्र हमरम सिमोन खेल जो में चलाएंगे तो दोनों ही टीमों में घाटशिला से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है और हम लोग अंदाजा लगा सकते अनुमान लगा सकते कि आखिर में घाटशिला लीग के खड़े में कितना सुधार आया खेल में कितने बढ़िया खेल रहे। इसके लिए क्रेडिट जाता हमारे विधायक महोदय जी को जिन्होंने खेल के प्रति जो हर संभव प्रयासरत रहते हैं। ऋषि ऋषि के कदमा बॉल संजय का अच्छी अनुमान यहाँ पर बदलाव करना सर बोल के बोल जाओ मुझे चला जाए पास बॉल यहां पर ब्लेंडर ट्रैप सिमोन के लिए बॉल को काफी आगे डाला गया और अच्छी गति दिखाया पर चले डालना सहा झपट पड़िया पर लखेंद्र हमरम गुड़ा पर वहां प्रखंड के बहुत ही ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं इनके बंदा जिनके लगन के बल पर ये शिक्षक तक सफर तो सही कर चुके। बात अगर एजुकेशन की किया जाए तो पिछले साल मैट्रिक एग्जाम में फास्ट ग्रीन जन से ये मैट्रिक भी पास किए
फेयर ग्रीन के कब्जे में बॉल आ रही है। तो जहां तक गणेश रविवार ग्रीन के कब्जे में बॉल आ रहे हैं तो ब्लाइंडर बैट को छीनने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। अगर ब्लाइंडर के कब्जे में बॉल आ रहे हैं तो रविवार ग्रीन को बॉल पर अपने कब्जे में लेने में दिक्कत होगी। ये बात तो आप पहले ही साबित कर चुके हैं अपना कि ये दोनों टीम जब जब आपस में मिली है एक धमाका हुआ है और काफी सारे टूर्नामेंट में कभी एवरग्रीन की जीत हुई है तो कभी ब्लेंडर एफसी की जीत हुई है। तो दोनों ही दल एक दूसरे की कमजोरियां और खामियों को अच्छी तरह से जानते हैं उसी का नतीजा है। और उस रिजल्ट के बाद है जो जमशेदपुर में टूरन का कुछ जो मैच जी गई है लखिंदर प्रसाद के साथ खेलता हुआ चरमाजी दूसरी बात है। अभी हमारे अतिथि रेफरी चिंता जो है श्री एस एन गुरु जी का आगमन हो चुकी है। मैं इनको हमारे कमेटी परिवार को सचिव सिंह का स्वागत करता हूँ। लाल मोहन खेल को होल्ड करके रखने लगा कि क्या चैंपियंस का कितना लाभ उठाएंगे उठा पाएंगे या दुनिया देखना होगा। अच्छा जो पत्र स्कोर लेकिन अपन धर्मेंद्र मुर्मू के द्वारा संदर्भ बचाओ धर्मेंद्र मुर्मू के अगर बात की जाए तो बुरा बंदा प्रखंड के बूंद भोल किया जो फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप दिया गया था उस ट्रेनिंग कैंप का उपहार कर दोनों ही गतिशील खिलाड़ी बहुत रफ्तार भर खेल के लिए जानते हैं। बार बार प्रयास कर रहे लेकिन कोई भी टीम अपना सफल नहीं पा रहे और चीजों का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी का अगर देखें तो उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। बचपन में बहुत ही मनबुद्धि विद्यार्थी थे लेकिन उनका मेहनत लगन के बल बूते बांध कर रखे जहाँ तक इसको मौका छोड़ना हो सकती है उसके बाद हम गोपाल बीच में बोल को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन गोल नगर में सफल अब तक नहीं हो पाए। तो फिलहाल मौके की तलाश में दोनों टीम की तरफ से बॉल को गुंजाल में चला जाए लेके जा भाई लेके जा और यहाँ एक मौका बन सकती है। जटा रख दो जा छोड़ा टेक्निकल कोशिश है लाल मोहन का अच्छे टेक्निकल कोशिश के साथ समय समय समाप्ति को सुना।